प्रदेश के साथ साथ पन्ना जिले में भी लोकसभा चुनाव आते ही सियासत गर्मा गई है। इसके तहत ही शुक्रवार को पन्ना जिले में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष और सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष ब्रिजमोहन यादव ने जनपद सदस्य और सरपंचों समेत करीब 500 लोगों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। बता दें कि गजना धर्मपुर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में सभी ने भाजपा की सदस्यता ली और विधायक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने सभी को भाजपा का अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलवाई। पन्ना से रमाशंकर द्विवेदी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे ब्रजमोहन यादव जी जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और इस क्षेत्र के बड़े प्रभावी नेता रहे हैं हमारे पहाड़ी खेरा लाइन के, और पहले जनपद में भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, दावेदारी भी कांग्रेस में विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने कई बार की है, लेकिन वो अब पार्टी की रीति नीति और विकास कार्यों से प्रभावित होकर हमारे दल में शामिल हुए हैं। हमारे दिल उनसे हमेशा मिलते रहे हैं, लेकिन अब हमारे दल एक हो गए हैं और दिल तो पहले से हमारे एक रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमने देखा कि 5 साल के उनके कार्यकाल में उन्होंने पन्ना विधानसभा में विकास की गंगा बहाने का काम किया है। हर गांव को गांव से कनेक्ट करने के लिए रोड बनाने का प्रयास किया। पूर्व में भी कई मंत्री रहे, लेकिन इस तरह का प्रयास नहीं हुआ। और चूंकि जनता हमें जब बार बार चुनती है तो हमारी प्राथमिकता विकास है, और विकास यदि कराना है तो मुख्य धारा में आना होगा, और माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से प्रभावित होकर के, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सनातन धर्म को लेकर के चल रही है और हर आदमी सनातन से जुड़ा है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी में जाना उचित समझा।